जबलपुर में स्टेज सिंगर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना लाडगंज थाना के रानीताल शमशान घाट के पास की है, जहां पर की स्टेज शो और ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने वाले अजय की लाश उसके घर से 50 मीटर दूर स्थित शमशान घाट में मिली। आज सुबह कुछ लोग जब शमशान घाट के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना के बाद लाडगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई है। वहाँ लड़का लेटा हुआ है तो हम गए देखने के लिए, देखो तो पेट में चाकू मार दिया है। देखो मुझे उम्र 22 साल गुजारपुर में रानीताल शमशान घर के पास रहते थे। उनकी बॉडी घर से 50-60 मीटर की दूरी पे शमशान घर कंपाउंड में पाई गई। छाती पे एक चोट है, अभी तक ब्लाइंड ही है। बता दें 24 वर्षीय मृतक अजय कनौजिया के परिवार वालों ने बताया कि वह ऑर्केस्ट्रा और स्टेज शो में गाना गाया करता था। आयोजन होटल में प्रोग्राम करने के कारण सुबह घर पहुंचा था, देर रात को भी वह स्टेज शो करने गया था। देर रात तक जब घर नहीं पहुंचा तो अजय के परिवार वालों ने उसे फोन किया पर उसका मोबाइल बंद जा रहा था। सुबह अजय की बाइक घर के बाहर खड़ी हुई है पर अजय नहीं था। स्थानीय लोगों ने अजय के परिजनों को बताया कि वह शमशान घाट के पास बने सीमेंट की कुर्सी पर मृत पड़ा हुआ है। बता दें लालगंज थाना पुलिस ने बताया कि जब कभी भी भ्रष्ट होती थी तो अक्सर अजय शमशान घाट के पास घूमते हुए फोन पर किसी से बात करता था। पुलिस ने कई बार उसे समझाइश भी दी कि वह घर जाकर बात करे पर अक्सर घंटों तक वह शमशान घाट के पास फोन कर किसी से बात करता था। प्रथम दृष्टया पुलिस अब इस पूरे मामले का प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देख रही है। बता दें लालगंज थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पुलिस स्थानीय लोगों सहित परिजनों से भी पूछताछ में जुटी हुई है। इसके अलावा अजय के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी पुलिस निकलवा रही है। कोतवाली CSP प्रभु शुक्ला का कहना है कि मृतक के सीने में चोट के निशान मिले हैं। अभी तक यह पूरा केस ब्लाइंड है पर जल्द ही पुलिस इसका खुलासा कर देगी। पड़ोसियों का कहना है कि अजय का सभी से मोहल्ले पड़ोस में व्यवहार अच्छा था, वह अपने काम पर ही ज्यादा ध्यान देता था। अजय स्टेज शो और ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने के अलावा बाहर होटलों में भी कार्यक्रम किया करता था। उसकी हत्या से परिजनों सहित पड़ोस में भी इसकी शोक की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।